देश में जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामलों में आज गिरावट देखने को मिली है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,786 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कल 231 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब तक मरने वालों की संख्या 4,53,042 हो गई है। बड़ी बात यह है कि आज देश में वैक्सीन की 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पार कर लिया है, यानी देश में कोरोना वायरस की ताज़ा स्थिति क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर अब 1,75,745 रह गई है। वहीं पिछले एक दिन में कोरोना का इलाज करा रहे 18,641 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद अब तक कोरोना से 3,35,14,449 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना के 3,41,43,236 मामले सामने आ चुके हैं। कल देश में कोरोना वैक्सीन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कल कोरोना की 61,27,277 डोज दी गई हैं, जिसके बाद देश में अब तक 100,59,4,580 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 13,24,263 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद कल तक कुल 59,70,66,481 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।